नॉर्थ ईस्ट में एकदम बुरी तरीके से एक डिसऑर्डर फैलाना चाहते हैं, एथनिक कन्फ्लिक्ट के बीच, मतलब ये एथनिक कम्युनिटीज़ के बीच कन्फ्लिक्ट करवाना चाहते हैं। ये बिल तो कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिस्क्रिमिनेटरी है। कई कई लोगों को आने दे रहे हैं, कई कई लोगों को नहीं। वो सिटीजनशिप का पूरा डेफिनेशन से चेंज कर दिया है। और ये अगर बिल आ जाए, जो असम में ऑलरेडी इतने पॉपुलेटेड है, अगर इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाएगा, बेसिकली जो एथनिक कम्युनिटीज़ है वहाँ पर, जो बोरो, कौसारी, डिवा, ये जो कम्युनिटीज़ है जिन लोगों का टेरिटोरियल सेफगार्ड नहीं है कि ये जगह तुम्हारा है, ये जगह तुम्हारा है, ऐसा कोई ILP नहीं है हम लोग के पास जो टेरिटोरियल सेफगार्ड नहीं है, तो कोई भी आके उन लोगों को अगर डिस्प्लेस कर दिया जाएगा तो उन लोगों को वापस वो जमीन मिलने वाले नहीं है। और ऊपर से जो लैंग्वेज, जो हम लोग का जो एथनिक कम्युनिटी का अपना लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट है, वो लोग वो सब चले जाएंगे एंड ऑलरेडी इतने पॉपुलेटेड है। और ऊपर से जो एवरी ईयर फ्लड होते, बाढ़ आते हैं असम में, इसलिए लैंडलेसनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर ये इन्फ्लक्स ज़्यादा आते रहेंगे तो ये क्या होगा, जो एथनिक कम्युनिटीज़ है बिकॉज ऑफ ये लैंडलेसनेस ये अपने बीच में ही कन्फ्लिक्ट करने लगे। मैम बाय चांस मान लिया जाए जैसे लोकसभा में पास हो चुका है, अगर राज्यसभा में हो जाता तो क्या करेंगे आप? हम लोग और करेंगे जिस तरीके से हम लोग प्रतिवाद कर सकते हैं, उस तरीके से कहीं जितना हद तक जाना चाहे हम लोग चाहेंगे। अभी तो असम में पूरा बिल्कुल ही इट्स मतलब बंद है, कुछ नहीं चल रहे, खराब है, बहुत खराब है। तो ऐसा हुआ तो हम लोग भी वहाँ चले जाएंगे, मतलब इट विल कम टू अ स्टॉप। मतलब बीजेपी क्या चाहती है? उन्होंने कहा कि मुस्लिम हिंदुत्व जो एक फैसिस्ट गवर्नमेंट, वो हिंदुत्व लाना चाहते हैं असम में, वो नहीं कर सकते हो, तुम कहीं भी कर लो, लेकिन असम इज अ डाइवर्स स्टेट, नॉर्थ ईस्ट इज अ डाइवर्स स्टेट, वहाँ हर तरीके का लोग रहते हैं, हर कम्युनिटी का, हर कल्चर का, हर लैंग्वेज का लोग रहते हैं। उस मतलब इम्पोर्टेंस को उसको अपने उसमें रखते हुए हम लोग को असम या नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से असम अकॉर्ड जो था वो सेवरल कम्युनिटीज़ और जो गवर्नमेंट थे उस समय के राजीव गांधी के अंदर, इसलिए MOU साइन हुआ था कि बाकी जगहों में जैसे भी चले लेकिन नॉर्थ ईस्ट में वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ ना हिंदी सब लोग बोलते हैं, ना खाना एक जैसा खाते हैं, ना पहनते एक जैसा। तो उस चीज़ को हम लोग चीज़ को मतलब कोई भी डिसीजन बनाते हुए, कोई भी बिल पास कर उसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है ये जिन्ना की जो थ्योरी थी टू नेशन की, उसको अपना रहे हैं क्या ये लोग? ऑफकोर्स, मतलब टू नेशन क्या, ये तो डाइवर्स करना चाहते हैं, हर एक कम्युनिटी को अलग अलग करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम मान तो है ही, ऊपर से जो कम्युनिटीज़ है, जैसे कि अपर असम में एक डिफरेंट कम्युनिटी है, लोअर असम में डिफरेंट कम्युनिटी, ब्रह्मपुत्र वैली में अलग, बरक वैली में अलग, सो अलग अलग जहाँ जहाँ अलग अलग कम्युनिटी है, कहीं क्रिश्चियन है, कहीं मुसलमान है, कहीं एनिमिस्ट कम्युनिटीज़ है, सबको एक्चुअली वो लोग अलग करना चाहते हैं। मतलब पूरा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये लोग वो करना चाहते हैं। क्या लगता है मैम, इससे देश के जो एक सौहार्द बना हुआ है, जो देश का एक सेकुलर की छवि है, हाँ, जो सोशल फैब्रिक है, ये तो अब तक तो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं पूरा देश में भी, अगर ये और भी ये कैप भी लाएंगे ना, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हम लोग एक दूसरे के लिए हम लोग विल बी लाइक एनिमीज फॉर इच अदर, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और ज़्यादा आएंगे तो ये बिल्कुल मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। हर एक कम्युनिटीज़ अपना इंडिपेंडेंस मांगना शुरू करेंगे, हर एक स्टेट अलग होना चाहेंगे, सो दिस इज़ नॉट डन। क्योंकि हम लोग का जो सोशल फैब्रिक है, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 के तहत हम लोग को सबको अच्छे से रहने के लिए यहाँ मौका मिला। इसमें देखा जा रहा है अमेरिका एम्बेसी से भी बयान आता है, विदेशों में भी इसकी बड़ी कड़ी आलोचना कही जा रही है, और अमेरिका एम्बेसी ने कहा बहुत ही गलत कदम उठाया बीजेपी सरकार। हाँ हाँ, ये सब मतलब हम लोगों को भी सॉलिडरिटी मैसेज हर एक जगह से आ रहे हैं, हर एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं, बट पता नहीं इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों को अब तक क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि ये आने से हम लोग को हिंदुत्व नहीं चाहिए, वी डोंट वांट हिंदुत्व, ये जो है सो है, हम लोग का कम्युनिटीज अलग से है, वी आर डिफरेंट, हम लोग अलग है। सो ये चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए ये बिल को अगर पास ना करें तो अच्छा रहेगा, अगर बिल पास भी हो जाए तो हम लोग कई किसी हद तक चले जाएंगे। न्यायपालिका से अगर बिल पास हो जाता बाय चांस, तो न्यायपालिका से कुछ हाँ वो लोग हम लोग फॉलो अप करेंगे, जैसे भी जो भी करना है हम लोग स्टेक होल्डर से डिस्कस करके हम लोग जो भी करना है वो सब करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर यही बात को बोलने के लिए आए हैं कि इस देश के नागरिक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के विरोध में खड़े हैं, और जैसे 1947 में एक पार्टीशन धर्म के नाम पे हुआ था, आज वैसे किसी भी पार्टीशन को हम 2019 में मंजूर नहीं करते। और अगर कोई भी किसी भी तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास किया जाता है राज्यसभा में भी और इसको लागू किया जाता है देश में, तो हम उसका विरोध करेंगे, हम उसको डिसोबे करेंगे, और हम इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पूरी तरह से नेशनल रजिस्टर जो है
सिटीजन का एनआरसी के साथ जुड़ाव में देख रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ इनका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करने का प्लान था बल्कि उसको अब देश के पूरे हिस्से में हर एक जगह पे एनआरसी को भी लागू करने का इनका प्लान है। और अगर एनआरसी लागू होता है तो ये पूरी तरह से साफ है कि इस देश के अंदर मुसलमान जो है वो स्टेटलेस हो जाएंगे। मतलब आपने 1947 में आपके ही एंसेस्टर्स ने चूज किया था कि आपने भरोसा किया था भारत पे, भारत की हुकूमत पे, आप इस भारत के आसमान और इसकी ज़मीन पे रहना चाहते थे, और आज उन्हीं से पूछा जा रहा है कि उन्हीं को ये बताए, उन्हीं के ही ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि वो अब इस देश में। क्या मैम ये बीजेपी अब जो जिन्ना की थ्योरी थी ट्यूनेशन की उसे अपना रही है क्या? देखिए उस समय में भी ये शायद हिस्ट्री में लोगों को नहीं मालूम, लेकिन सबसे पहले ट्यूनेशन थ्योरी जो था वो इन्हीं लोगों ने प्रपोज किया था, और जिन्ना ने तो बाद में उसको लिया था, लेकिन सबसे पहले तो यहीं पर इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या इनके बाकी के सावरकर जैसे नेता हों, वो लोग ट्यूनेशन थ्योरी के सपोर्टर थे, और बाद में मोहम्मद जिन्ना ने इस चीज़ को प्रपोज की और बाकी इंडिया और पाकिस्तान बना। तो ये लोग तो उसके हमेशा से ही सपोर्टर रहे हैं, इसीलिए आज जब ये लोग हुकूमत में आए हैं, आज सरकार में आए हैं, तो पूरी तरह से संविधान को बदलने का, उसको क्रश करने का और अपना टू नेशन थ्योरी को लागू करने का, नागरिकता को धर्म के नाम पे जोड़ने का इन लोगों ने अपना प्रयास किया है। क्या लगता है जो सेक्युलर पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, क्या उनकी आज कड़ी परीक्षा होगी राज्यसभा में? देखिए अगर कोई भी पार्टी जेडीयू हो या वो अकाली दल हो या वो वाईएसआर हो या आपका एआईएडीएमके हो, ये सारी पार्टीज अपने आप को एक्सपोज कर देंगी, और जितना इन लोगों ने मुखौटा पहना हुआ था कि ये लोग सेक्युलर हैं, सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ये लोग भी भरोसा रखते हैं, तो पूरी तरह से उसके विपरीत में इतिहास इनको माफ़ नहीं करेगा, यही हम कह सकते हैं, देश के लोग भी इनको माफ़ नहीं करेंगे। और हम लोग इस देश के अंदर अगर एनआरसी को लागू किया जाएगा और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को, हम उसको अपोज करेंगे और देश के सभी लोग अपोज करेंगे। जब अमित शाह कल स्पीच दे रहे थे अपने राज्यसभा, तो उन्होंने कांग्रेस का बार बार नाम लिया कि कांग्रेस भी ऐसे बिल कई बार पास करवा चुकी है। क्या बिल पास किया है? कभी भी नागरिकता को धर्म के नाम पे किसी ने नहीं जोड़ा, और ये काम तो यही लोग हमेशा से करना चाहते थे, इन लोगों ने लागू कर दिया, लोकसभा में पास किया। और देखिए एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, क्योंकि अमित शाह का आपने नाम लिया तो मैं कहूँगी, अमित शाह ने कल ये बोला कि हम रिफ्यूजीज के साथ खड़े हैं, तो सवाल ये सामने आता है कि रिफ्यूजीज म्यांमार के भी है, रोहिंग्या मुस्लिम है, इवन अगर आप सच में अफगानिस्तान के अंदर रिफ्यूजी से पीड़ित हैं तो वहाँ पर शिया कम्युनिटी है, और भी मुसलमान के अंदर जो बहुत सारे सेक्ट्स हैं वो लोग भी हैं, तमिलनाडु के अंदर अभी श्रीलंका से भगाए हुए तमिल रह रहे हैं, ये लोगों को आप क्यों नहीं नागरिकता दे रहे? तिब्बत के जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सवाल आपको नागरिकता या रिफ्यूजीज को स्टेटस को अच्छा करने का नहीं है, बस बात सिर्फ इतना है कि इस देश के अंदर कैसे मुसलमानों को एक द्वयम दर्जे का नागरिकता से भी नीचे गिरा दिया जाए, ये इनका साजिश है। अमेरिका एम्बेसी से बयान आता है कि जो ये बिल पास हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है कि स्टेप है बीजेपी सरकार का, और ये भी मांग आ रही है कि अमित शाह को बैन कर दिया जाए अमेरिका जाने से। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो अमित शाह को देश से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश में रहने के लायक नहीं है। और ये सारे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने कल लोकसभा में इसके पक्ष में वोट किया, वो सब देश के संविधान से नहीं चल रहे हैं, वो देश का नुकसान चाहते हैं, देश का बुरा चाहते हैं। और हम लोग हमेशा इस चीज़ पे गर्व करते थे कि भारत में हर समुदाय का लोग, हर एथनिसिटी का लोग, हर तरह का लोग यहाँ पर आकर मिल बांट के बराबरी का अधिकार उनको संविधान में दिया गया है। आपने कल एक झटके में उसको खत्म कर दिया, एक झटके में जो हम प्रेस्टीज, जो प्राइड लेते थे अपने देश में रहने का, आपने उसको खत्म कर दिया। आप असल में इस देश में रहने के लायक नहीं है। और मैं एक और बात बोलूँ, ये लोग जो कह रहे हैं कि श्रद्धालु जो आएंगे उनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया है, और बाकी अगर ऑल इंडिया NRC को लागू करेंगे तो उसमें अगर हिंदू बाहर हो जाते हैं या सिख बाहर हो जाते हैं या कोई क्रिश्चियन बाहर हो जाता है तो उनको कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम तो उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में उनको नागरिकता दे रहे हैं। ये गलत है, ये टेक्निकली फॉल्स है, लोगों को मालूम नहीं है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो अगर मैंने NRC में अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और मेरी सिटीजनशिप वहाँ पर कैंसिल हो गई, तो मुझे इस CAB बिल के थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें मुझे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं या तो अफगानिस्तान से आई हूँ या बांग्लादेश से आई हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, पहले ही प्रूफ हो गया कि मैं भारत की नहीं हूँ। दूसरा, मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि वहाँ पर मेरे साथ कोई ना कोई रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ था, जिसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। तो ये हिंदू विरोधी भी NRC है, गरीब विरोधी NRC। लोग जानना चाहते हैं इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा इस बिल को लाकर, मतलब वो चाहते हैं उसकी मंशा क्या है इस बिल के पीछे? बीजेपी को फायदा यही होगा कि इस देश के अंदर आप धर्म के नाम पे जब नागरिकता दे रहे हैं, आपने इस देश में इतना जबरदस्त जहर घोल दिया है मुसलमानों के खिलाफ, और आज जब देश के अंदर इतना सारा उबाल पे देश है, अब देखिए कि देश के दो बड़े विश्वविद्यालय जिसमें मैं पढ़ी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ पर टीचर स्ट्राइक पे है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र स्ट्राइक पे है, INC जैसा इंस्टीट्यूट जो जर्नलिस्ट प्रोड्यूस करता है, वो लोग
स्ट्राइक पे हैं कि फी इतना हाइक हो गया है, इवन एम्स तक को आपने नहीं छोड़ा, वो लोग स्ट्राइक पे हैं, IIT स्ट्राइक पे है, तो सिचुएशन साफ है कि देश में इतना बड़ा अबवाल है। देश में जो मुद्दे हैं GDP वगैरह या फीस हाइक को लेकर, उसको दबाने की कोशिश तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये एक आई वॉश है, भटकाने के लिए ये एक आई वॉश है। आज आप नॉर्थ ईस्ट में भी देख लीजिए, आसाम के अंदर लोग इतना गुस्सा है, वहाँ पर अभी आसाम बंद हुआ है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के छात्र इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो देश भर के अंदर आप किसी मुद्दे को संभाल नहीं पा रहे। जम्मू एंड कश्मीर को आपने बर्बाद कर दिया, वहाँ 3 महीने से वहाँ पर आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद की हुई है, तो ये बात साफ है कि आप देश के अंदर किसी खबरें आ रही है कि वहाँ पर आगजनी हो रही है, लोग गुस्सा है, कहीं दुकानें बंद हैं, कहीं रास्ते कहीं आग भी लग रही है, क्या लगता है एक माहौल खराब करने की स्थिति हो गई? हाँ देखिए, आसाम का सवाल बिल्कुल अलग था। आसाम में जो आसाम अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड के अनुसार लोगों का ये डिमांड है कि वहाँ पर जो आसामीज आइडेंटिटी है, जो उनकी खुद की एथनिसिटी है, जो वहाँ पर इंडिजिनियस लोग हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। उसमें NRC एक उसका पार्ट था, NRC वहाँ पर एक इंक्लूजन का प्रोसेस था। 20 लाख लोग वहाँ बाहर हुए, आसाम की जनता नहीं कह रही कि उनको डिटेंशन सेंटर में डालूँ, लेकिन ये सरकार अब CAB लाकर वहाँ की भी जो एस्पिरेशन है उसको भी किल कर रहा है। तो देश भर में ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहता है, जो आसाम के लोगों का सबसे पहली बात मुद्दा था ही नहीं, तो ना तो आपने उस मुद्दे को पूरा किया और बल्कि देश के अंदर और आपने आग लगा दी। आखिरी सवाल मेरा, 2016 में इस बिल को लाए थे लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ था, ये फिर क्या लगता है इस बार भी यही होने वाला? देखिए अब हम लोग सेक्युलर पार्टी से तो उम्मीद खो चुके हैं, लेकिन अगर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट फिर पास होता है तो इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और मैं नहीं मानती कि ये सरकार भी उसको रोक पाएगा।